खुदा उस सृष्टि का सृष्टिकर्ता, रक्षक और विनाश करने वाला है जो उसमें से ही उत्पन्न हुई है और जो उसके ही द्वारा उसके अंदर संभाली जाती है और उसी में फिर से समा जाती है। केवल खुदा ही वास्तविक है और सृष्टि भ्रम के क्षेत्र में है। चाहे वह खुदा के खुद की ही अभिव्यक्ति हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सर्वोच्च लक्ष्य के लिए पूर्व निर्दिष्ट ना हो, लेकिन केवल मानव रूप में ही चेतना इतनी विकसित होती है कि वह अपने खुद के ट्रू सेल्फ की पूर्णता को प्रकट करने के काबिल हो, जो कि सबका ही सेल्फ है। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक मजाक है। अगर समझी जाए तो जिंदगी केवल एक परिहास है। अगर गलत समझी जाए तो जिंदगी एक हानिकारक जीव है। पथ पर चलने वाले पथिक के लिए जिंदगी एक कसौटी है। जब प्रेम से त्यागी जाए तो जिंदगी अपने में सबसे अच्छी है। अनंत काल में जिंदगी कोई बंधन या दुख नहीं जानती है। ये चिरस्थाई और हमेशा नहीं रहने वाली चेतना की स्वयं के पुष्टिकरण की अपार दिव्यता है। मेरा मिशन इस स्वयं के छिपे हुए खजाने को पाने में तुम्हारी मदद करना है। मैंने जिंदगी की कुछ बुनियादी प्रक्रियाएं बताई है, जिसमें मैंने एक आत्मा की यात्रा उसकी सृष्टि के समय से लेकर उसकी चेतना के एवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन तक की बताई है, जिसमें वो उसी परमात्मा तक वापस आती है जिससे वो उत्पन्न हुई है। ये एक सामान्य यात्रा है, परंतु कुछ आत्माएं भटक जाती है और अपने आप को अपने लक्ष्य इन्वोल्यूशन तक पहुंचाने से पहले ही गलत रास्ते पर चली जाती है, जो उन्हें सिवाय तकलीफों के और दुख के अलावा और कुछ नहीं देती। बाबा, आपने इन रास्ता भटकी हुई आत्माओं के बारे में पहले भी बताया था, जिन्हें हम भूत कहते हैं। अरे एरज, इन भूतों से तो मुझे बहुत ही डर लगता है। तुम दोनों इन भूतों को इतनी अहमियत मत दो। जी बाबा। इसके अलावा कुछ आत्माएं बहुत सी शक्तियां पाने के लालच में भी कभी कभी भटक जाती है, वह उनका प्रदर्शन करने के लिए भी गलत रास्ता इख्तियार कर लेती है। जी बाबा। हाँ, ये शक्तियां पाने के लिए उन्हें काफी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। बाबा, शक्तियां? हाँ इरज, ये शक्तियां भी कई तरह की होती है, जिनका इस्तेमाल ये लोग गलत सही हर तरह से कर सकते हैं, जैसे ओकल्टिज्म, सॉर्सरी, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह। ओ बाबा, इसके बारे में और भी कुछ बताइए। मनी, जरूर बताऊंगा, पर पहले मैं भूतों के बारे में बताता हूँ कि ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह से ये इस रूप में आ जाते हैं और बेसिकली मूलतः ये भूत कौन होते हैं। जिंदगी की एक सच्चाई है मृत्यु, जो एक वास्तविकता भी है। इसमें मनुष्य अपने अच्छे बुरे संस्कारों का संतुलन यानी उन्हें खर्च करके सामान्य मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु कुछ मृत्यु दुर्घटना या आत्महत्या से भी होती है,
जिनमें सोल्स अचानक अपने शरीर को छोड़कर बाहर आ जाती है, जिसमें संस्कारों का संतुलन हो ही नहीं पाता है। इरज, तुम्हें याद है मैंने एक बार बताया था कि अगर किसी की मृत्यु अचानक दुर्घटना, युद्ध, हत्या या आत्महत्या से हो जाती है तो क्या होता है? जी बाबा, मुझे याद है। अच्छा, तो आज मैं इसे फिर से समझाता हूँ। जी बाबा, ये अच्छा रहेगा। तो अगर किसी मनुष्य की प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ से पहले ही दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अरे बाप रे, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे, कितनी चोट लगी है। अरे बाप रे, कितना खून भी बह रहा है। अरे जाकर एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ हाँ, चलो 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 एम्बुलेंस को। अरे बाप रे। ये झटका भौतिक शरीर द्वारा तलाश किए जाने वाले संस्कारों की जड़ को ही चूर चूर कर सकता है। इस केस में ये आत्मा तुरंत जन्म लेकर अपनी पिछली जिंदगी के संस्कार पूरे करती है। जी बाबा। हाँ, कुछ 1, 2, 3, 4 या 5 साल तक जीवित रहते हैं और अपनी पिछली जिंदगी के बचे हुए समय को पूरा करने के बाद वे अपनी पिछली दुर्घटनावश मृत्यु की जिंदगी के संस्कारों के अनुसार दूसरा शरीर ले लेते हैं। इसीलिए कुछ बच्चों की कुछ दिनों में, कुछ की थोड़े महीनों में और कुछ की केवल कुछ साल में ही मृत्यु हो जाती है। बाबा, फिर जो आत्महत्या करते हैं उनका क्या होता है? उनका शरीर चला जाता है लेकिन उनके सारे संस्कारों की गति चलती जाती है। ये मनुष्य अब एक भूत बन जाता है। आत्महत्या करने के बाद कोई ना तो अपने पथ पर आगे जा पाता है ना ही पीछे। उसे बहुत लंबे समय तक धरती से जुड़कर रहना पड़ता है क्योंकि उसे बिना किसी भौतिक शरीर के बीती हुई जिंदगी के बचे हुए भौतिक संस्कार खर्च करने होते हैं, जो कि एक बहुत ही भयानक और दर्द भरा काम है। जी बाबा। मैं तुम्हें थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। जी बाबा। हर भौतिक शरीर में 3 तरह के शरीर होते हैं, ग्रॉस, सटल और मेंटल। मृत्यु के बाद ग्रॉस बॉडी निकल जाती है, सिर्फ सटल और मेंटल बॉडीज ही रह जाती है। ओ, अच्छा बाबा। मृत्यु के बाद भी आत्मा के लिए 3 तरह के संसार होते हैं, 3 worlds फॉर द सोल, एस्ट्रल, सटल और मेंटल worlds। एक साधारण भौतिक मृत्यु में आत्मा 12 से 14 दिन एस्ट्रल स्फीयर में रहकर हेल या हेवन अपने संस्कारों के अनुसार महसूस करती है। ये मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की स्थितियां होती है, इसीलिए हेवन और हेल मेंटल स्टेट्स है, न कि किन्हीं जगहों के नाम। ग्रॉस और सटल वर्ल्ड्स के बीच में 7 लेयर का एस्ट्रल वर्ल्ड होता है। जब यह आत्मा एस्ट्रल बॉडी के रूप में अनुभव प्राप्त करके फिर से शरीर लेती है, एस्ट्रल बॉडी निकल जाती है और नए भौतिक शरीर के साथ फ्रेश एस्ट्रल बॉडी मिलती है। बाबा, आत्महत्या के केस में क्या होता है? आत्महत्या में सोल एस्ट्रल वर्ल्ड में ही रहती है मगर क्योंकि उसके संस्कार पूरे खर्च नहीं हो पाते हैं, वो एस्ट्रल बॉडी में ही रहती है, जिसे हम भूत कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? यहां आत्मा के पास स्वाद और स्पर्श, द सेंस ऑफ टेस्ट एंड द सेंस ऑफ टच के वो सेंसेस ही नहीं होते। ये पत्थर की दीवारों से भी होकर गुजर सकती है। एस्ट्रल वर्ल्ड बीमारी और बुढ़ापे से आजाद होता है। ये क्षण के छोटे से हिस्से में भी कहीं भी जा सकती है। बाबा, इसका मतलब ये हुआ कि भूत बिना शरीर का एक ह्यूमन बीइंग है और जब तक इसके संस्कार पूरे नहीं होते वह उसी स्थिति में रहता है। हाँ मनी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर ये आत्मा अत्यंत दुखी होती है। ये डिपार्टेड आत्मा शरीर छूटने के बाद भी दुनिया के निकट संपर्क में रहने की इच्छा रखती है और लंबे समय तक
अपने को इस ग्रॉस वर्ल्ड से जोड़े रखती है। बाबा, कुछ लोगों को सरकार की तरफ से फांसी दी जाती है, उनका क्या होता है? इरज, उस केस में वे लोग समाधि की स्थिति में चले जाते हैं जो आध्यात्मिक नहीं होती। इस स्थिति के पूरा होते ही ये सोल्स अपनी पिछली जिंदगी के संस्कारों के अनुसार पुनर्जन्म ले लेती है। पर जो लोग खुद लटक कर फांसी लगा कर आत्महत्या करते हैं, वे भौतिक और एस्ट्रल वर्ल्ड के बीच में ही लटके रहते हैं। ये भूत बनकर युगों तक, लिटरली युगों तक भौतिक रूप यानी फिजिकल फॉर्म, ग्रॉस फॉर्म नहीं ले पाते। बाबा, किसी किसी को तो भूत रात में दिखाई देते हैं। हाँ मनी, जब अंधेरा और शांति होती है तो उनकी सटल स्मोकी बॉडीज पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। वो हर दिशा में ऊपर या साइड में खिंच जाती है। उन्हें ऐसा देखने पर तुम्हें डर लगता है और तुम कांपते हो या चिल्लाते हो। बाबा, क्या हम उनकी फोटो खींच सकते हैं? हाँ मनी, अनुकूल परिस्थितियों में उनकी फोटो भी खींची जा सकती है, जो आसपास की जगहों, समय, रोशनी और फोटोग्राफर के ऊपर निर्भर करता है। बाबा, क्या ये स्पिरिट्स जीवित व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है? गुड क्वेश्चन। ये डिसइनकार्नेट स्पिरिट्स जीवित व्यक्तियों से संपर्क करना चाहती है और ये किसी भी भौतिक शरीर या चीज में प्रवेश भी कर सकती है जिसका किसी को पता भी नहीं चल सकता। ध्यान से सुनो, लेकिन ये केवल तभी प्रवेश कर सकती है जब तुम जागृत न हो और सो रहे हो। जी जी बाबा। इन स्पिरिट्स या घोस्ट्स की भी पीने खाने इत्यादि की बहुत बुरी इच्छा होती है, इतनी कि ये अप्राकृतिक साधनों यानी अननेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके किसी के भी शरीर में घुस सकती है, जिसे अंग्रेजी में हम पजेशन कहते हैं। जी बाबा। अब मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं? जी बाबा, बताइए। नियम के अनुसार एक शरीर में एक ही आत्मा होती है, ठीक है, मगर कभी कभी अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं। पजेशन के कुछ केसों में एक ही भौतिक शरीर बारी बारी से अलग अलग सोल्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की घटनाएं उस इंसान को स्प्लिट पर्सनालिटी में बदल देती है। जी बाबा। कभी कभी एक ही मनुष्य के कुछ अलग बंधन कुछ समय के लिए उसके शरीर का पोजीशन ले लेते हैं और अपने मूल शरीर के अलावा अतिरिक्त तरह के हाव भाव दिखाते हैं। ये बंधन पिछले जन्मों के बंधन भी हो सकते हैं। बाबा, ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ मनी, तुम ज्यादा मत सोचो नहीं तो पागल हो जाओगी। ये सब निरर्थक है बेसिकली। जी बाबा, पर इसके बारे में थोड़ा और बताइए, मेरी उत्सुकता तो और भी बढ़ती जा रही है। अरे मनी, सुनते सुनते तुम थक जाओगी। नहीं बाबा, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, और बताइए। ठीक है, तो ये स्पिरिट्स मौके का इंतजार करती है। जब ये तुम्हें कुछ पीते हुए पाती है तो ये अपनी इच्छा तुम्हारे शरीर के द्वारा पी कर संतुष्ट करती है। कभी कभी तुम बिना किसी वजह से गुस्सा हो जाते हो तो ये हो सकता है कि कोई स्पिरिट तुम्हारे द्वारा अपने गुस्से के संस्कारों को खर्च करती है। ये एक तथ्य है, दिस इज अ फैक्ट। बाबा, क्या ये आत्माएं आगे प्रगति कर सकती हैं? नहीं एरज, ये मृत्यु के बाद तब तक प्रगति नहीं कर सकते जब तक कि इनके अधूरे संस्कार निकल न गए। मान लो एक आदमी की जिंदगी 40 साल के लिए डेस्टिन्ड है, लेकिन वो 30 साल की उम्र में ही आत्महत्या कर लेता है, तो बचे हुए 10 साल के अव्यक्त संस्कारों के लिए उसकी स्पिरिट लोअर प्लेन्स पर अटक जाती है। भौतिक संसार बहुत ज्यादा जुड़ा होना ही इनकी आगे की जिंदगी के प्राकृतिक प्रवाह के लिए एक बहुत ही गंभीर बाधा है। बाबा, क्या ये सभी स्पिरिट्स खराब होती है? नहीं मनी, जैसे दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही एस्ट्रल वर्ल्ड में भी अच्छी और बुरी आत्माएं होती हैं। हमारी दुनिया में जो लोग परेशानी संकट में होते हैं, उनकी ये अच्छी आत्माएं मदद करती है, मानवता की भलाई करती है। बुरी और उपद्रवी आत्माएं हमेशा कमजोर लोगों से संपर्क व उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करती है, मगर अच्छी स्पिरिट्स
मास्टर्स के क्लास में नहीं रखी जा सकती। रियल मास्टर एक बार शरीर छोड़ देने के बाद एस्ट्रल प्लेन में भी नहीं रहते। जी बाबा। एरज, बाबा ने सारी बातें कितनी अच्छी तरह से समझा दी। भूतों को लेकर हमारे मन में कितनी जिज्ञासाएं आती थी, अब सब साफ हो गया है। इन घोस के तो हम लोगों को भी काफी अनुभव हुए हैं। हाँ मनी, पहले मैं भी भूतों को नहीं मानता था, पर बाबा ने मुझे इसका अनुभव कराया। ये भटकी हुई आत्माएं बाबा यानी अवतार के पास पुनर्जन्म पाने के लिए आती है। हाँ, इसीलिए तो हम लोगों को बाबा के साथ रहने पर यह सब अनुभव होते थे। तो फिर चलो एरज, हम लोग इन अनुभवों को सबके साथ शेयर करते हैं। अच्छा मनी, ठीक है। सन 1944 में बाबा ने अपनी मंडली को मेहराबाद व पिंपल गांव दोनों जगह रहने के लिए कहा था। एरज बाबा के साथ मेहराबाद आश्रम में थे। वे पूना व बम्बई आते जाते रहते थे। एक बार जब वे पूना गए हुए थे तो बाबा ने तार द्वारा उन्हें अचानक ही पिंपल गांव बुलवाया। बैदुल, सब ठीक है? अलीशा मस्त का अब क्या हाल है? बाबा, 2-3 दिनों से मस्त अलीशा जिस भूत से बहुत परेशान हुआ करते थे, जो बार बार उनकी लालटेन गिरा देता था, कल रात को आपसे बात करने के बाद वो काफी शांत हो गया है, वरना उनका गुस्सा तो बाबा, बाप रे बाप। ठीक है बैदुल, अच्छा है कि अब वो शांत है। अच्छा कृष्णा। जी बाबा। पूना में एरज को एक तार भेज दो कि बाबा ने तुरंत बुलाया है। जी बाबा। बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ एरज, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है। आज रात तुम मेरे कमरे में मेरे पास में ही सोना। जी जी बाबा, जरूर। इस एरज को मैंने कितनी बार भूतों के बारे में बताया है, पर ये विश्वास ही नहीं करता। मैंने इसे यहाँ भूत का अनुभव देने के लिए ही आज बुलाया है। जिस भूत ने अलीशा को इतना परेशान किया हुआ है, वो आज पता नहीं क्या करेगा। कौन है ये? मेरे सीने को कौन दबा रहा है? कौन है? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे कौन है भाई? अरे एरज, क्या हुआ? इस तरह तुम अचानक कैसे उठ गए और हाँफ क्यों रहे हो? बाबा, ये क्या था बाबा? इरज, ये एक भूत था जो तुम्हें दबा रहा था और दिखाई भी नहीं दे रहा था। जी जी बाबा। ओ बाबा, तो ये भूत का अनुभव था? कैसे रहा तुम्हारा अनुभव? क्या अब तुम भूत को मानते हो? जी जी बाबा, अब मैं पूरी तरह से भूत में विश्वास करता हूँ। आपने तो मुझे कई बार बताया भी, पर अब अपने इस अनुभव के बाद मैं सब समझ गया हूँ। मुझे अच्छा लेसन मिल गया बाबा। ठीक है, मैंने पुना से तुम्हें यहाँ इसी अनुभव को देने के लिए बुलाया था। जी बाबा। अच्छा, अब तुम कल वापस पुना चले जाओ। जी बाबा।